तो दोस्तों अभी खदान के अंदर आ चुके हैं। ये रहा आपका जम्पाली, रायगढ़ से तकरीबन वही 60-65 किलोमीटर आगे पड़ता है दोस्तों, रायगढ़ से आगे पड़ता है, जो कि छाला रोड से भी आगे पड़ता है माइंस। इससे माइंस ही जो गाड़ी आ रहा है ना, ये नीचे से कोयला लेकर आ रहा है, ऊपर डंपिंग करेगा और वही कोयला हम लोग देखिए टेलर में लोडिंग होता है। ये भी गाड़ी बैक कर रहा है, ये बाइसका है, इसी में कोयला फिर लोडिंग होता है। नीचे से हाइबर लेकर आ रहा था, ये सब कोयला है छोटा छोटा बोला जाता है। तो गाइस फाइनली ये सब स्पेस से वहाँ जो कंपनी के अंदर जो हाईवे चलता है वो सब गाड़ी में पार्किंग होता है, और मैं भी निकल रहा हूँ कांटा के लिए। तो फाइनल गाइस हमारा कांटा हो चुका है। ये देखिए लेबर लोग है जो भी तिरपाल गाड़ी में बांध रही है, हमारा सामने हमारा ही गाड़ी है। लड़का चारों धूप के कारण दिखाई नहीं दे रहा वो आप सभी को। यहाँ पर तिरपाल होता है जो कि आदमी तिरपाल करता है, ड्राइवर को करना नहीं पड़ता है, उसके पैसे चार्ज लेता है। तो फाइनल गाइस हम निकल चुके हैं, आउट हो चुका है हमारा गाड़ी और निकल चुके हैं अपने दोस्तों उड़ीसा के लिए। मैं वीडियो नहीं बना पाया इसलिए कि मैं पहले देख रहा था दोस्तों, ये हकीकत में ये नेशनल हाईवे ये रोड ही है, ये कोई से गांव का रोड है, नॉर्मल जो गांव का रोड रहता है कि माइंस एरिया में जो बस्ती होता है उसका रोड ही ऐसा होता है क्या, कहीं वो तो बस्ती नहीं है। लेकिन दोस्तों मैंने अब कैसे जगह रोका दोस्तों चाय पीने के लिए, तो ये मुझे मिला बात मालूम चला कि नहीं ये नेशनल हाईवे रोड ही है। और बहुत दिक्कत होता है दोस्तों इस रोड में, बच्चे स्कूल जो जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको, सबसे बड़ी बात दिक्कत रोड तो ख़राब है ही है और डस्ट इतना ज़्यादा उड़ता है इस रोड में कि क्या बताया जाए, और साथ में इसमें ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये वो जगह है जो रायगढ़ घरघोरा बाईपास है, और इस साइड करो उधर चाय पीने के लिए सीधा रायगढ़ निकलेगा और ये घरघोरा बाईपास निकलेगा दोस्तों। तो कैसे हैं दोस्तों, और मैं अभी पहुंचा हूं रायगढ़, और रात में लगभग मैं 8:30 बजे पहुंचा हूं रायगढ़ में। नींद बहुत ज़्यादा लग रहा था, मैं सो गया इधर रायगढ़ में। सुबह देखे गाड़ी हमारा तो ख़राब हो गया है, कला सिलेंडर का पाइप फट गया है, तो भी गाड़ी खड़ा किया हूँ अपना रायगढ़ हाईवे रोड पे हूँ, और मिस्त्री को फ़ोन किया, मिस्त्री भी आ रहा है, काम करवा कर फिर निकलूँगा उड़ीसा के लिए दोस्तों। और देख सकते भी हालात कैसे हो गया दोस्तों, रास्ता इतना ख़राब है छत्तीसगढ़ में क्या बताऊँ आपको। और जम्पाली साइड में जो छाल बरो जो रोड जाता है ना, बहुत ज़्यादा रास्ता ख़राब है दोस्तों। नेशनल हाईवे का रोड है, दिखाया भी आप सभी को वीडियो में, देखें रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। और हालात जैसे काम करा के जाऊँगा, फिर आगे किसी होटल में रुकूँगा, फिर नहाऊँगा, ब्लॉग में नहीं है दोस्तों। दोस्तों हमारा क्लच का पाइप सिलेंडर पाइप को फट गया है, तो अभी मिस्त्री आया दोस्तों, देखिए मिस्त्री आया है, फ़ोन किए थे, काम चल रहा है, अभी पाइप खोल के लेकर जाएंगे, देखेंगे नया लगे तो नया लगवाएंगे या तो फ्रिज को रिपेयरिंग करवा कर ही लगवाएंगे दोस्तों, ख़राब हो गया पाइप। मिस्त्री सब तब निकल चुके दोस्तों काम करवाने के लिए। दोस्तों ये देख सकते हैं नज़ारा, और रायगढ़ घर पूंजी पत्रा का ये है, हमारा गाड़ी का काम ठीक हो गया दोस्तों, काम करवा लिया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। ये रायगढ़ का पूंजी पत्र का पहाड़ है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। दोस्तों कुछ ही देर में हम रायगढ़ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर पे हम पहुंचने वाले दोस्तों। ये ब्रिज हम जैसे क्रॉस करेंगे वैसे ही हम उड़ीसा में गांव में प्रवेश कर जाएंगे दोस्तों। ये प्लांट जो है देख रहे होंगे, ये NTPC प्लांट है दोस्तों, सरकारी प्लांट है, बहुत बड़ा प्लांट है ये भी। और ये देखिए जो है ब्रिज पर हम ढूल रहे हैं, जैसे ढूलेंगे ना हम वैसे ही हम अपना उड़ीसा के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। ये सामने बॉर्डर है, ये मुझे थोड़ा रोकना पड़ेगा और क्योंकि बिल्टी वगैरह दिखाना पड़ेगा, कागज दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं उड़ीसा में एंट्री कर सकता हूँ। ये ऐसे ढूलूंगा ना ऐसे सामने दे, आप सबको दिखाई दे रहा हो दोस्तों, वो देखिए खारा बॉर्डर दिखाई दे रहा है, वो बॉर्डर है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का, वही बॉर्डर है जिसको हम बोलते हैं कनकपुरा बॉर्डर। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे, मुझे रोकना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो बिल्टी चेक करवा ले दोस्तों, इसलिए ब्लॉग में बना रहिएगा। ऐसी जी तो चाहे जिंदगी है।
सी जिंदगी हम छिप छिपाए हम ना आए 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 हम ना आए ऐसी जी छिप छिपाए ऐसी जी हम ना पाए ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए हम ना आए 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 हम ना आए ऐसी जी छिप छिपाए। तो अभी हमने प्लांट के अंदर हो चुका हूँ, जा रहा हूँ लोड गाड़ी कांटा करवाने के लिए। ये भूषण प्लांट है जो कि अभी फिलहाल जी एस्टेब्लू हो गया जी, इंदल खरीद लिया इसको। और ये कांटा का अभी हम लाइन लगे हैं दोस्तों, देखिए वो उधर खाली गाड़ी का लाइन लगा हुआ है, उधर आस गाड़ी का लोड गाड़ी भी है, खाली गाड़ी की तरह होता है और हमारा इधर लोड गाड़ी कांटा हो रहा है। तो मैं जा रहा हूँ खाली करवाने के लिए। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं खाली करने के लिए, और वीडियो और बनाऊं दोस्तों बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं आज के ब्लॉग यहां अंत करता हूं, फिर किसी ब्लॉग में दिखाऊंगा आप सभी दोस्तों। और दोस्तों हमारे वीडियो आप सभी कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर होती है। वैसे मुझे भी लगता है कि मेरे अंदर में ना कुछ गलतियाँ हैं, तभी जाकर हमारे वीडियो में कुछ पहले बहुत अच्छे से व्यू आ रहे थे, पर अभी दोस्तों कोई क्या ऐसा बात होगी जो व्यू नहीं आ रही है दोस्तों। तो आप सभी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपनी गलती को सुधार सकूं। और वीडियो का आप सभी को थोड़ा सा भी कहीं ना कहीं दोस्तों क्लिप अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर आपने तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिन भाई से मैं पूछूँ जो भी रायगढ़ छत्तीसगढ़ गए होंगे तो आप जानते होंगे दोस्तों रास्ता कितनी ख़राब है। अगर आप रायगढ़ गए होंगे तो भी कमेंट कीजिएगा कि हाँ मैं रायगढ़ गया हूँ। फिर मिलते हैं किसी अच्छे ब्लॉग इन वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।